अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पहले ही बाबरी मस्जिद के ढाई जाने के बाद और उस पर राम मंदिर बनने के बाद से उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। लेकिन इसी बीच रामलला की मूर्ति जैसे ही लोगों के सामने आई तो मूर्ति की भव्यता, सुंदरता और आकृति देखकर मुसलमानों के अंदर आग सी लगने लगी थी। साथ ही आपने भी इन दिनों सोशल मीडिया पर रामलला की एक वीडियो देखी होगी, जिसमें रामलला मंद मंद मुस्कुराते और इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से रामलला की मूर्ति को जीवित देखकर हर सनातनी, हर हिंदू का मन खुश हो गया था। लेकिन इस वीडियो की आखिर सत्यता क्या है? क्या सच है प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति जीवित हो चुकी है क्या, या इस वीडियो के पीछे कोई और रहस्य है? तो ऐसे में दोस्तों, इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वायरल वीडियो का सच, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जिस देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है वह अवतारिक स्वरूप हो जाता है। यह भगवान के साकार स्वरूप की आराधना का श्रेष्ठ तरीका है। मंदिरों में भगवान की मूर्ति स्थापित करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, वह पूज्यनीय हो जाती है। धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर या घर पर मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही किया जाता है। साल 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो में जिस प्रकार रामलला अपनी पलकें झटका रहे हैं और अपने मुख से जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखी जा रही है, ये पूरी तरह से एक एडिटेड वीडियो है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। हालांकि जिन लोगों के यह बात मालूम नहीं है उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया है। तो वहीं कुछ लोगों का तो यह कहना है कि अब रामलला जीवित हो चुके हैं, और जो लोगों का यह कहने कि रामलला जीवित हो चुके हैं, तो उनको हम ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं, ऐसा कहा जाता शास्त्र अनुसार। और तब पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधि जब पूर्ण होती है उसके बाद स्थापना की जाती है। और इसी स्थापना के चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि खाकर मैसूर के जो आपके अरुण योगीराज जी हैं, जो मूर्तिकार है, उन्होंने गंडकी नदी से आए शालिग्राम पत्थर तराश कर रामलला की इस मनमोहक तस्वीर को आकार दिया और आकृति दी, और जिसके चलते आज रामलाल की यही मंद मंद मुस्कान वाला उनका यह जो वायरल वीडियो है तेजी से फैल रहा है। इस बारे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी जिसमें वह बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठा रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है। रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है, इसलिए यह भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। आंखों से पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हटाई गई है, जिसे नेत्र उन्मीलन विधि कहते हैं। भगवान के आंखों में पट्टी होती है और उसे खोला जाता है, फिर मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति के सबसे ऊपर सूर्य नारायण की आकृति बनाई है, क्योंकि राम सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के थे।
सूर्य की दाईं ओर शंख और चक्र की आकृति है जो भगवान विष्णु के हाथों में रहता है। सूर्य के बाईं ओर भगवान विष्णु के गदा की आकृति बनाई है। मूर्ति के सबसे नीचे कमल की आकृति है क्योंकि उनके चरण कमलों की तरह माना गया है। मूर्ति की दाईं ओर सबसे नीचे हनुमान जी की आकृति है और बाईं ओर गरुड़ की आकृति बनी है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी आकृति बनाई गई है। क्रमांक इस प्रकार हैं: दाईं ओर मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। बाईं ओर परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई मूर्ति को 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए अंतिम रूप दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा था, हनुमान की भूमि के एक प्रसिद्ध मूर्ति निर्माता 22 जनवरी को राम मंदिर में अपनी कृति को गौरवपूर्ण स्थान देते हुए देखे गए, तो ऐसे में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो ऐसे में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने फैसला किया है कि अब पहले महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन कराया जाएगा। ताजा जानकारी के अनुसार दर्शन अब 2 बजे के बाद शुरू होगा। लोगों को रोक दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने ऐलान किया कि दर्शन के लिए पहले बुजुर्ग और महिलाओं को भेजेंगे। इसके अलावा वाहनों की एंट्री बंद की गई है, लोग पैदल आ जा रहे हैं। बताया गया कि गर्भगृह में दर्शन जारी है, हालांकि बाहर के गेट पर एंट्री रोकी गई है। श्रद्धालुओं के एक जत्थे को दर्शन कराने के बाद दूसरे समूह को अंदर भेजा जाएगा। एक एक करके रामलला के दर्शन के लिए जत्था रवाना किया जा रहा है। वहीं ADG अयोध्या रेंज पीयूष मोरडिया ने कहा कि बढ़ती भीड़ लोगों की भक्ति है, हम चाहते हैं सब दर्शन करे, दर्शन रोके नहीं गए हैं, सबकी सुविधा की जाएगी, ये प्रशासन की विफलता नहीं है। बता दें राम मंदिर के कपाट मंगलवार को आम जनता के लिए खुल गए। एक दिन पहले इस नवनिर्मित मंदिर में राम लल्ला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। स्थानीय और अन्य राज्य के लोगों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमवार देर रात को ही मंदिर परिसर की ओर जाने वाले राम पथ पर मुख्य द्वार के समीप एकत्रित हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाए द्वार के समीप बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पुलिस ने श्रद्धालुओं को बताया कि मंदिर मंगलवार से खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को अयोध्या के मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को एक नए युग के आगमन का प्रतीक करार दिया और लोगों से मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अगले 1000 वर्षों के मजबूत, भव्य और दिव्य भारत की नींव बनाने का आह्वान किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। अगर आपको वीडियो में मिली जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।